दोस्तों आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 1/7। देखो क्वेश्चन बहुत सुनने में सिंपल है, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, मैं पिछले 5 साल के करियर में 99% से ज्यादा लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है। इसलिए आज हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं। समझिए बात को, 1/7 का रिमाइंडर पूछा है। पहले मैं आंसर लिखूंगा और आप भी सॉल्व करते जाइए। 1/7 का रिमाइंडर बहुत सारे लोग 0 देते हैं, कुछ लोग इसका आंसर 3 देते हैं, कुछ लोग इसका आंसर 2 देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कैन नॉट डिटरमाइन, सर नहीं कर सकते इस चीज को, और कुछ लोग देते हैं 1। और इसका करेक्ट आंसर है 1। सेम कैटेगरी से एक और एग्जाम्पल लूंगा, 2/4। अब कुछ लोग इसका आंसर कैसे देंगे कि सर इसका आंसर या तो 0 होगा, कुछ लोग देते हैं 0.5, कुछ लोग देते हैं इसका आंसर 1, कुछ लोग देते हैं इसका आंसर 2। ये बहुत सारे आंसर्स हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं लोग, कैट की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे फॉर्मूला मगअप कर रहे हैं, लेकिन डिविजन नहीं आता है। तो पहले आप बेसिक्स क्लियर कीजिए, आपके सारे एग्जाम निकल जाएंगे। आइए समझते हैं 1/7, और जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे एक रूल जनरेट करते जाएंगे। 1/7 गलती कहाँ होती है, हम लोग यहाँ लगा देते हैं 0, और 0 को लगाते ही यहाँ पर लिखते हैं डेसिमल। देखो 1/7 में एक और चीज, ये होता है आपका डिविडेंड, ये होता है आपका डिविडेंड, और 7 होता है आपका डिवाइजर। नाम से मालूम चलता है डिवाइजर, जो ड्राइव करता है वो ड्राइवर, जो कंडक्ट करता है वो कंडक्टर, और जो डिवाइड करता है वो ड्राइवर। 1/7 एक साथ को डिवाइड करता है, पहला पॉइंट ये। तो ये आपका हुआ डिवाइजर, ये आपका हुआ डिविजन, और ये आपका हुआ क्वेश्चन। अब पहली गलती क्या हो गई मुझसे कि मैंने यहां पर 0 लगा दिया, तो क्वेश्चन ही आपने बदल दिया। अब क्वेश्चन ये हो गया, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 10/7। पहली गलती ये। दूसरी गलती, कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, यहां पर मैंने 7 लिखा, यहां पर आपका रिमाइंडर आया 3, आंसर दिया 3। मैं आप लोगों से पूछूंगा कि अगर यहां पे 0 लगाया तो यहां किसी ने कोई पाप किया? नहीं, यहां भी लगाओ 0, और 28 के बाद रिमाइंडर आएगा 2। यहां लगाया, यहां लगाया, तो यहां भी लगाओ, और ऐसे लगाते लगाते आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। यू विल फाइंड आउट कि आपका कभी आंसर नहीं आएगा। बात समझ में आई? इसका मतलब है मैं 0 गलत लगा रहा हूं। इसके 2 लॉजिक है, इट्स ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। कुछ लोग बोलते हैं कैन नॉट डिटरमाइन, गलत है, क्योंकि क्वेश्चन ही आपने चेंज कर दिया। क्वेश्चन आपका ये कि 1 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा। अब रिकॉल करो मेरे पहले वीडियो को, अगर आपने नहीं देखा है तो। पहला वीडियो क्या था, डिवीजन के ऊपर की, डिवीजन कैसे करते हैं। अब हम मतलब समझेंगे 1/7 का। देखो डिवीजन का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स में से, यानी कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस एक ऑब्जेक्ट में से मैं 7 ऑब्जेक्ट निकालूंगा और दे दूंगा किसी को। क्या आप कर सकते हो? आप बोलोगे सर क्यों मजाक करते हो, 1/7 नहीं निकल सकता है। तो इसका मतलब जब आप नहीं कर पाओ ऑपरेशन को, तो समझ लेना आपका रिमाइंडर है वो। एक और एग्जांपल लूंगा, 43/7। 43 जो हमने फर्स्ट वीडियो में किया था, 43/7, 7 निकाला, फिर 7 निकाला, फिर 7 निकाला, आखिरी में 1 बच जाता है। अब आप समझिए इस बात को और, कि अगर मैं, अच्छा कुछ लोग आंसर देंगे यहां पर कि जैसे मैंने यहां पर लिखा 10/7, यहां पर आपका आंसर आया 3। कैसे? 10 में से 7 निकाले, एक पर्सन को दे दिया, अब बचे 3। 3 में से 7 निकाल सकते हो? नहीं, वही आपका रिमाइंडर है। इस इजी डेफिनेशन से आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर पहला पॉइंट मैं आपको लिखूंगा रूल के अंदर, कि रूल नंबर 1 कि आपका जो क्वेश्चन है वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और बेटर टू से पॉजिटिव नहीं तो नॉन नेगेटिव, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह के नंबर होने चाहिए। अब मैं लिखूंगा रूल नंबर 2 के बारे में। देखिए हमने एक और क्वेश्चन लिया था कि 2/4,
टू बाई फोर में लोगों ने आंसर देते हैं जीरो, ये भी आप करके देखो, आपका आंसर आएगा जीरो, कुछ का आंसर आएगा वन, कुछ का आंसर आएगा टू, कुछ का आंसर आएगा पॉइंट फाइव। ये गलती क्यों हो रही है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, टू को फोर से काट दिया, बोले काट सकते हैं तो काटो वन बाय टू। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, काटना गलत नहीं है, लेकिन सवाल चेंज हो गया, हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग पता लगा रहे हैं कि इसको इसका रिमाइंडर क्या है। बात समझ में आई? समझ में आई बात? ये काटना गलत नहीं है, लेकिन सवाल चेंज हो गया। हमारा सवाल था कि दो में से चार ऑब्जेक्ट निकालने का है, एक में से दो नहीं निकालने का है, एक में से दो नहीं निकाल पाऊंगा तो आंसर आएगा एक, कि मैं एक ऑब्जेक्ट को नहीं बांट सकता हूं। समझ में आया? तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर जीरो नहीं लगाऊंगा, रूल नंबर वन बोलता है कि जीरो नहीं लगाने का, तो यहां लिखूंगा जीरो और आंसर आ जाएगा दो। समझ में आया? तो रूल नंबर टू, नेवर एवर कैंसिल न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, डायरेक्टली कैंसिल नहीं करेंगे, वी विल ऑपरेट द प्रॉपर डिवीजन, रूल नंबर टू रिमाइंडर निकालने के लिए। अब रूल नंबर थ्री क्या बोलता है कि अगर मैंने एक नंबर को डिवाइड किया, फॉर एग्जाम्पल 43 डिवाइड बाय 7, जो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर एग्जाम्पल लिया था, इसको आप सॉल्व करोगे रिमाइंडर आएगा 1। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि आंसर देते हैं 8, 9, ये होता है रियल लाइफ में, 10, 11, 12 ये आंसर देते हैं। लेकिन मैं आपसे डेफिनेशन पूछूंगा कि अगर मेरा आंसर 8 है तो क्या आप 8 में से 7 चीज नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। और डेफिनेशन क्या बोलती है, जब तक आप निकाल सकते हो ऑब्जेक्ट्स को, तब तक आपको डिवीजन करते रहना है, आपका रिमाइंडर नहीं आएगा। रिमाइंडर का मतलब होता है जब आप ऑब्जेक्ट्स को नहीं निकाल पाओ। अगर मेरा आंसर 9 होगा तो 9 में से 7 ऑब्जेक्ट को निकाल सकता हूं, लेकिन 1 में से 7 नहीं निकाल सकता। बात समझ में आई? तो इसका मतलब है कि मुझे एक रेंज डिफाइन करनी है, रेंज ऑफ रिमाइंडर क्या होगी। रिमाइंडर की एक वैल्यू होती है कि यहां से लेकर यहां तक ही अवेलेबल है, ये होती है आपकी डिवाइजर माइनस 1 और 0, 0 से लेकर डिवाइजर माइनस 1 तक। अब साथ ही केस में अगर मैं बात करूंगा तो अगर मेरा डिवाइजर 7 है तो मेरे रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी सुनिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इंटरेस्टिंग चीज, एक और रूल यहां पर है, रूल नंबर 4, कि रिमाइंडर हमेशा एक इंटीजर ही होगा। इस बात को ध्यान रखना, रिमाइंडर हमेशा एक इंटीजर ही होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और मजा आ जाए तो प्लीज आग की तरह फैला देना। गुड बाय, टेक केयर।